एवरीबडी व्हाट्स अप, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू BLA.in। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अच्छे 50 वन लाइनर्स और कुछ फिलर्स। तो क्या है गाइस, ये सारे ही आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं BLA फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर में जितने भी LU के स्टूडेंट्स हैं वो उसको देख सकते हैं, MCQ फॉर्म में भी ये फ्रेम हो सकते हैं, तो सबके लिए यहाँ पर इक्वली हेल्पफुल रहेंगे। ये है पार्ट 3। प्लेलिस्ट में आगे आप और भी वीडियो इसका देख सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन हिट करिए, सो दैट सारे ही जो वीडियोस के अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। ये है गाइज हमारा BLED बुक स्टोर, इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है, यहाँ से आपको जो भी BLED की बुक्स चाहिए आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। प्रीपेड, COD सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जितने भी MCQs हैं फटाफट से इनको करते हैं। तो गाइज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, यहाँ पर हम फटाफट से वन लाइनर और जितने भी फिलर्स हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं, मैक्सिमम कवर करेंगे बिकॉज एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 38 इज व्हाट वाज अ फिलॉसफी ऑफ अद्वैत वेदांत। तो उनकी फिलॉसफी के बारे में यहाँ पर हम टोटली बात कर रहे हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, उनका एजुकेशन में यहाँ पर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ब्राह्मण इज रियलिटी, वर्ड इज ट्रांजिटरी एंड द इंडिविजुअल एंड एब्सोल्यूट आर वन। तो गाइस ये क्या है कि अलग अलग फिलोसफर्स हैं, उनकी अलग अलग फिलोसफी है कॉन्ट्रीब्यूशन को लेके एजुकेशन पर, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। इनको ज़्यादा उसको टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस एक बार रीडिंग कर लेनी है, होपफुली अगर आ जाता है तो अच्छा है, बाकी तो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है पॉसिबल कर पाएं। हु प्रपाउंडेड अद्वैत वेदांत, तो शंकराचार्य। हु सेड वन कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, तो ये हेरेलेटस ने कहा था। तो यहाँ पर दो प्रैग्मेटिज्म के बारे में बात करें, जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, जो प्रैग्मेटिस्ट जो थिंकिंग रखते हैं प्रैग्मेटिज्म के बारे में बताते हैं, वो है ऑगस्ट कॉम्टे एंड जॉन डी। तो हुज फिलोसफी इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटलिज्म, तो किनकी फिलोसफी इंस्ट्रूमेंटलिज्म कही जाती है, वो जॉन डी की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आ ही सकते हैं। नेक्स्ट इज जो एक्सपेरिमेंटलिज्म से जुड़ते हैं वो क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है, मतलब एक्सपेरिमेंटलिज्म जो चीज है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि ऑल एक्शंस आर एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंटलिज्म का मतलब ये होता है हम सारी चीजें जितने भी फिलोसफर्स हैं वो एक्सपेरिमेंटलिज्म के बारे में ये कहते हैं कि जो भी चीजें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू की जाए, प्रैक्टिकल के थ्रू करी जाए, ठीक है। तो डिफाइंड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, तो उन्होंने कहा है कि ऑलराउंड ड्रॉइंग ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड द स्पिरिट, मतलब एक बच्चे का बेस्ट उसका बाहर निकालना, ठीक है। हमें कभी कभी खुद नहीं पता होता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट्स है, तो उसको उस स्किल्स को बाहर निकालना ही एजुकेशन कहलाती है अकॉर्डिंग टू M.K. गांधी। तो व्हाट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, तो उनका क्या मतलब है, सेल्फ रियलाइजेशन। महात्मा गांधी के जितने भी क्वेश्चन है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये LU वाले स्टूडेंट्स में पूछ रहे थे, लास्ट ईयर वालों स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली हेल्पफुल रहेगा। व्हाट इज द सेंट्रल एंड द बेसिक एजुकेशन करिकुलम, बेसिक एजुकेशन करिकुलम किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिए थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसका था बेसिक क्राफ्ट। वार्डा स्कीम है, जो बेसिक नेशनल एजुकेशन है वो कब आई थी, वार्डा स्कीम भी महात्मा गांधी जी ने दी थी 1937 में। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था बेसिक एजुकेशन का, वो थी मदर टंग। अब एजुकेशन क्या है, विवेकानंद के अनुसार तो उनका क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन अ मैन। तो ये सारी डेफिनेशन आपको याद करनी है, किसने क्या कहा है। तो बेसिस ऑफ विवेकानंद फिलोसफी ऑफ एजुकेशन थी वेदांता फिलोसफी, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, तो टीचर क्या है, एक फिलोसफर होता होना चाहिए, एक फ्रेंड और एक गाइड होना चाहिए। स्कूल्स आर सिंथेसाइज इन विवेकानंद फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, कैसे स्कूल्स होने चाहिए, उनके क्या स्कूल थे, क्या क्या उनके प्रिंसिपल्स थे, तो उनके थे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और ह्यूमैनिज्म, इन चार चीज़ों पर विवेकानंद ने काम किया था। तो आइडियल विच इज कम्प्लीटली एक्सप्लेन बाय विवेकानंद फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या थी, कि एजुकेशन क्या है, मैन मेकिंग के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। जो फ्रॉबल का प्ले विथ सिस्टम है एजुकेशन का, वो क्या था, किंडरगार्टन मेथड था। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्ले विथ सिस्टम ऑफ एजुकेशन किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए फ्रॉबल ने दिया था, और कैसा दिया था, किंडरगार्टन वाला दिया था। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है, कि चिल्ड्रंस का गार्डन, छोटे छोटे बच्चे जहाँ पर खेलते हैं प्ले के थ्रू एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज प्ले अकॉर्डिंग टू फ्रॉबल, तो प्ले क्या है, इज अ प्योरेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अ मैन। तो उन्होंने किस चीज़ पे, फ्रॉबल ने दिया ही कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, किंडरगार्टन का प्लेइंग मेथड का, तो उनके लिए क्या है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है किसी भी लर्निंग प्रोसेस में। तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ फ्रॉबल, तो पेडागॉजीज ऑफ किंडरगार्टन, उन्होंने इसी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। नेम फ्रॉबल्स वर्क ऑन प्ले, तो उन्होंने मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स, ये इनका काम रहा है, ठीक है, वर्क रहे हैं इनके। नेम द प्रिंसिपल बुक ऑफ मरिया मॉन्टेसरी, तो ये भी डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी है, इनका भी एजुकेशन में अपना ही एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर एजुकेशन को क्या बोला है ना, एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कि
डायडेक्टिक अपैरेटस। तो डायडेक्टिक अपैरेटस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मेथड टीचिंग का जो कि आपका साइंटिफिक अप्रोच यूज करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं। हु स्टैंड फॉर लिबरल एजुकेशन, द आइडियलिस्ट एंड ह्यूमैनिस्ट। तो ये लोग लिबरल एजुकेशन को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। यूटिलिटेरियन एजुकेशन का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट वाली एजुकेशन, ठीक है, नेचुरलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट और रियलिस्ट। तो ये क्या करते हैं, इस चीज पर ही एम्फसाइज करते हैं। तो क्या, गिव वन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, टू स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ यू इंडिविजुअल और उसके कल्चरल एनवायरनमेंट, उसके बाहर के एनवायरनमेंट के साथ एजुकेशन करना, उसको हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी यहाँ पर बोलते हैं, विच इज नेसेसरी लिबरल और यूटिलिटेरियन एजुकेशन। तो आई थिंक बोथ इज इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट इज वॉट इज, हाउ इज एजुकेशन अ टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या है, इट क्रिएट्स मोर productivity. What type of good is education? Then non-material economic good. Is education a producer or a consumer of good? It is both a producer and also the consumer of a good. ठीक है, name two, impediments in national integration. तो communalism or regionalism. तो what is one suggestion which is advanced by the National Integration Committee? तो ये क्या था कि children should be familiar with all aspects of education. Children को हर तरीके की एजुकेशन से यहाँ पर फैमिलियर कराया जाए। व्हाट नेम द फोर इंडियंस पॉइंटिंग आउट इक्वल कम्युनिकेशन बाय ग्रेट रिलीजन। तो उन्होंने कौन थे, रामाकृष्णा थे, रामाकृष्ण परमहंस, एम के गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड श्री अरविंदो। थ्री इंडियन रिलीजन प्रीचिंग ह्यूमन अपलिफ्टमेंट। तो ह्यूमन अपलिफ्टमेंट के लिए बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म ने वर्क किया। नेम फोर मेजर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, दशहरा, दीपावली, होली एंड ईद। टू फिलोसफिकल आइडियाज बिहाइंड सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल्स, किस लिए होता है कि हम यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी, सबको इकट्ठा लाने के लिए, ठीक है, साथ में मिलवाने के लिए, मल्टी साइडेड अप्रोचेस। नेम टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ कल्चर हेरिटेज विच इज लैंग्वेज एंड आर्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर विच इज एडेप्टेशन एंड इंटीग्रेशन, एंड वॉट इज कल्चर इज अ सिम्बॉलिक कंटिन्यूस क्यूमुलेटिव and continuous process. Next are the fill-ups, guys. तो यहाँ पर हम fill-in the blanks करने वाले हैं। तो ये भी guys आ सकते हैं MCQs के form में, fill-ups के form में भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। तो उसको हम एक बार जरूर देख लेते हैं, because pattern हमको नहीं पता है, इसलिए जितने maximum possible चीज़ें हो पाएंगी हम यहाँ पर करेंगे। Education और social order was written by, this is a book which was written by Bertrand Russell. The Russell's philosophy is called logical atomism. So according to Russell, education should start at dash years of age. तो 6 years of age से यहाँ पर जो education है वो start होनी चाहिए according to Russell. One dash of the education is to satisfy curiosity. मतलब किसी का objective क्या है कि education क्या है, किसी भी चीज़ को लेकर curiosity, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी learn करना चाहते हैं, तो वो क्या ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, कि आपकी जो curiosity है चीज़ों को लेकर, learning को लेकर, उसको क्या क्या जाए satisfy किया जो है। Teaching of science should start at the age of 12. France and dash bend Rousseau's Emile Switzerland. Rousseau एक philosopher है जिनके काम है, जिनका literary work है, उसका नाम है Emile, इनके book लिखी थी, एक imaginary character है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो ये France और Switzerland में जो उनकी philosophy है उसको क्या किया, ban कर दिया गया था। Emile and dash were the most famous works of Rousseau. तो Emile and social contract क्या है कि वो वर्ड, मतलब बिल्कुल फेमस काम है रूसो के, और एमाइले जिसमें सबसे ज़्यादा आ सकता है, पूछा जा सकता है। एमाइले वॉज एन इमेजिनरी चाइल्ड, जो उनके वर्क में उन्होंने बताया है कि एमाइले का जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एक बच्चा है, किस तरीके से वो चीज़ों को गो थ्रू करके जा रहा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट टू यूटिलाइज टाइम बट टू लूज इट। A 12-year child should know nothing. तो ये गाइस ऐसे थोड़े अटपटे से आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये क्या है कि किसी की फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे रूसो की फिलॉसफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि उन्होंने अपनी फिलॉसफी में क्या क्या कहा है, तो उसके ही कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स यहाँ पर दे दिए गए। अब नेक्स्ट आते हैं पेस्टोलॉजी। तो पेस्टोलॉजी भी क्या थे, फिलोसोफर, तो उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया। तो वो कहाँ पे पैदा हुए थे, ज्यूरिस स्विट्जरलैंड में हुए थे 1746 में। द स्कूल एट Verdun was closed in 1826. Pestalozzi considered grading as necessary. Education strives after dash of manpower, strives after perfection of man's power. So general education must precede vocational education. So general education को हमें पहले यहाँ पर इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जनरल एजुकेशन बेसिक एजुकेशन पर सबने एम्फेसाइज किया। फॉर ड्यूई एजुकेशन क्या, एजुकेशन का मतलब है ग्रोथ। जॉन डुवे क्या थे, प्रैग्मेटिक थिंकर थे, प्रैग्मेटिज्म पर उनका काफी
जो था एम्फेसाइज किया उन्होंने, मैन अकॉर्डिंग टू ड्यूई इज बॉर्न हेल्पलेस। तो ये ड्यूई की जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, जो भी उनकी थिंकिंग है, उस पर ही ये बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द डैश ऑफ थिंग्स, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द यूज ऑफ थिंग्स। एजुकेशन इज नॉट प्रिपेरेशन बट लाइफ इट सेल्फ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैदिक एजुकेशन वॉज सेल्वेशन। बुद्धिस्ट एजुकेशन का क्या था? धर्म। और इस्लामिक का क्या था? जो भी इस्लामिक एजुकेशन है, उनका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कहाँ पर लिखा है? उनकी कुरान में। तो जो बेसिक जो ब्रिटिश एजुकेशन का कहाँ बताया, सबसे पहले स्टार्ट किया था मैकॉले ने। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हैव बीन लेड डाउन बाय न्यू वेदांत। तो मैन लिव इन अकॉर्डेंस विद देयर फिलोसफी ऑफ लाइफ। फिलोसफी इज अ परसिस्टेंट अटेम्प्ट टू गिव इनसाइट। फिलोसफी एम्स प्राइमरली एट नॉलेज। एवरी मैन इज अ बॉर्न मेटाफिजिशियन। एजुकेशन हैज नो टाइम टू मेक हॉलीडेज। बिल्कुल। किंडरगार्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। तो गाइस ये कुछ सेंटेंसेस हैं। अब जैसे ये लिखा है एजुकेशन हैज नो टाइम टू मेक हॉलीडेज। अब ये क्या है, किसी ना किसी यहाँ पर फिलोसफर का कथन हुआ, तो उन्होंने उसको एज फिलिप्स के रूप में बना दिया। थ्योरी ऑफ इंसाइट, इंसाइट की जो थ्योरी है वो डब्ल्यू सी मैकडूगल ने यहाँ पर दी थी। समर हिल स्कूल किसने एस्टेब्लिश किया था? ए एस नील ने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरलिस्ट मेथड क्या था? कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके आप चीजों को सीख लें। स्कूल मैनेजमेंट नेचुरलिस्ट फेवर किसको फेवर करते थे? सेल्फ गवर्नमेंट को। शंकराचार्य की जो फिलोसफी थी वो अद्वैत वेदांता थी। प्लेटो जो थे ही वाज द फर्स्ट आइडियलिस्ट एजुकेटर। सोक्रेट्स क्या थे? सोक्रेट्स वाज द टीचर ऑफ प्लेटो। मतलब प्लेटो की जो फिलोसफी है उनको किसने सिखाई? सोक्रेट्स ने। नॉलेज इज वर्च्यू किसने कहा? सोक्रेट्स ने। शंकराचार्य एस्टेब्लिश्ड फोर मैटर ऑफ लर्निंग। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फर्स्ट रेफर टू द टर्म प्रैग्मेटिक इन 1643। प्रैग्मेटिक हैव बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रैग्मा। द ग्रीक टर्म प्रैग्मा मीन्स लाइफ। द फर्स्ट प्रैग्मेटिक फिलोसफर्स कौन थे? चार्ल्स पायर्स, जिन्होंने सबसे पहले प्रैग्मेटिज्म के बारे में बताया था। तो ये गाइस चार फील्ड्स हैं जहाँ पर आप उनके बारे में स्टडी कर सकते हो। प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, ठीक है? तो इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। चेयरमैन कौन थे बेसिक एजुकेशन कमेटी की 1937 में? जाकिर हुसैन। तो कमेटी अंडर बी ए खेर कनेक्टेड बेसिक एजुकेशन टू सार्जेंट स्कीम। ये इनको बहुत डिटेल में नहीं जाना गाइस, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक फिलअप्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। डैश पब्लिश्ड अंडरस्टैंडिंग बेसिक एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पब्लिश किया था। बेसिक एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसिस। द कोर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन कंटिन्यूड फॉर 7 ईयर्स। गाइस बेसिक एजुकेशन से जितनी भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। विवेकानंद स्टूड फॉर एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग, जो कि हम पढ़ चुके हैं। वेदांता थॉट इज नोन एज न्यू वेदांता। विवेकानंद सिंथेसाइज साइंस विद वेदांता। कॉन्सेंट्रेशन, डिस्कशन एंड कॉन्टेम्पलेशन आर थ्री मेन मीन्स ऑफ एजुकेशन। बहुत ही सही। रिलीजन इज द डैश कोर ऑफ एजुकेशन, इज द इनर मोस्ट कोर ऑफ एजुकेशन। चाइल्ड हैज सेंट्रल प्लेस इन श्री अरबिंदो स्कीम्स ऑफ एजुकेशन। एकदम सेंट्रल पोजिशन दी जाती है चिल्ड्रन को। जो आज भी मेथड चलता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, श्री अरबिंदो प्रोपाउंडेड इंटीग्रल एजुकेशन। एजुकेशन मस्ट बी थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एजुकेशन मस्ट डेवलप फिजिकल, वाइटल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। श्री अरबिंदो कंबाइंस आइडियलिस्ट विद प्रैग्मेटिज्म। सो ये गाइस चार क्लासेस हैं फिलोसफी की, इनको जरूर पढ़िएगा। द डैश ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजिशन इन मॉन्टेसरी सिस्टम। तो बिल्कुल जो चाइल्ड है वो ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल पोजिशन। किसने ये बुक लिखी है? द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड। तो मॉन्टेसरी ने लिखी है, मरिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी। मरिया मॉन्टेसरी ने स्टैब्लिश किया हाउस ऑफ चाइल्डहुड कब? 1907 में। तो मोटर एजुकेशन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। तो मॉन्टेसरी इम्प्रोवाइज डायडेक्टिक अपैरेटस, उन्होंने इसके बारे में यहाँ पर बात करी है। किसने लिखी है द स्कूल एंड सोसाइटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉन डुई ने लिखी है। किसने कहा है द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ? क्या चीज है, मतलब ये टोटल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है क्या है? सो टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ इन अ लिमिटेड एरिया। क्योंकि कम्युनिटी को हम बहुत वाइड नहीं कहते, एक लिमिटेड एरिया तक ही यहाँ पर होती है। डैश इज द वर्ल्ड सोशियोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ऑगस्टे कॉम्प्टे ने यूज किया था सोशियोलॉजी जो शब्द है, पहली बार इन्होंने ही यूज किया था। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। लिबरल एजुकेशन इज एजुकेशन फॉर लेजर। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड्स इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। बिल्कुल,
एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर रिलेटेड एज चिकन एंड एग. बिल्कुल. एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग मटीरियल वेल्थ. सो गाइस, आई थिंक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर समझ में ना आए. ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ें लग रही हैं और बस आपको याद इतना रखना पड़ेगा कि किसका कॉन्ट्रीब्यूशन, किसकी लाइन क्या कही किसने. इकोनॉमिक डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन इन एन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक टर्म्स. नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? संपूर्णानंद. इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या प्रोवाइड करवाया था? शी प्रोवाइडेड ओवर नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी. टेक्स्ट बुक्स शुड बी स्क्रूटनाइज बिफोर प्रोक्यूस्टिंग इन स्कूल. सो मतलब यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको बिल्कुल यहाँ पर देखा जाना चाहिए, रीचेक किया जाना चाहिए. कोई भी गलत टेक्स्ट बुक बच्चों तक नहीं पहुँचानी चाहिए. प्राइमरी स्कूल शुड सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स. कुछ अब इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन. यूथ फेस्टिवल शुड बी ऑर्गेनाइज इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज. बिल्कुल, बिकॉज यूनिटी के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए. कल्चर इज सोशल नॉट इंडिविजुअल. बिल्कुल, कल्चर इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन है कल्चर की. इंडियन कल्चर हैज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि हम हमेशा पढ़ते रहे हैं. इंडियन कल्चर इज रिलीजन ओरिएंटेड. इंडियन कल्चर हैज पावर ऑफ अडेप्टेशन. स्पिरिचुअलिटी, यस स्पिरिचुअलिटी इज अ मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिंदुइज्म. फ्रैटर्निटी किसकी बात करता है, कौन बात करता है इसकी? इस्लाम. जो इक्वालिटी की बात करता है, सिखिज्म. ह्यूमैनिज्म, क्रिश्चियनिटी. मॉरल प्योरिटी की बात, बुद्धिज्म. इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15th of August. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of January. गांधी जयंती ऑन 2nd June. दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. एंड दशहरा सेलिब्रेट्स विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल. तो गाइज, ये तो हमने कुछ फन क्वेश्चन रहे लास्ट वाले, सो एक बार देख लीजिएगा. बट हो सकता है अभी चाहे, हो सकता है नहीं भी आए. ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन. इनको फटाफट से अगर आप एक बार भी रीडिंग कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेड हम बता नहीं सकते कि क्या क्वेश्चंस आने हैं. नया पैटर्न सा आ गया है. सो जितना भी मैक्सिमम जहाँ से भी क्वेश्चंस उपलब्ध हो रहे हैं आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे. ठीक है, तो इसको पढ़िए आराम से और अच्छे से प्रिपेयर करिए. नो नीड टू टेक टेंशन. यहाँ पर जितने मैक्सिमम पॉसिबल होंगे क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे. सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. जिनको भी ये चाहिए एनसीक्यूज और भी जो भी चीज़ें चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. चलिए गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.